दोस्तों विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हो गया है उसी के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और मैं उन सभी लोगों के लिए शांति की प्रार्थना करता हूँ जो इस घटना में हमें छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलिए पढ़ते हैं। विशाखापट्टनम गैस लीक, एटलीस्ट 7 पीपल हैव डाइड इंक्लूडिंग अ चाइल्ड आफ्टर स्टायरीन गैस लीक फ्रॉम एलजी पॉलीमर्स प्लांट इन विशाखापट्टनम अर्ली मॉर्निंग ऑन 7 मई 2020 अकॉर्डिंग टू आंध्र प्रदेश डीजीपी दामोदर गौतम स्वांग। देर हैव बीन 7 कैजुअलिटी सो फार, वन ऑफ देम फेल इन टू अ वेल वाइल ट्राइंग टू स्केप। द इंसिडेंट अकर्ड एट अराउंड 3:30 AM इन द मॉर्निंग। द प्लांट वॉज शट ड्यू टू द कंट्री वाइड लॉकडाउन अकॉर्डिंग टू NDRF DGSN प्रधान। अराउंड 1,000 to 1,500 पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड फ्रॉम द एरिया, अमंग हुम मोर देन 800 पीपल हैव बीन टेकन टू हॉस्पिटल। द NDRF DG ऑल्सो इन्फॉर्म डैट द लोकल्स इन द एरिया हैव रिपोर्टेड थ्रोट एंड स्किन इरीटेशन एंड सम टॉक्सिक इन्फेक्शन। देन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस केम इन टू एक्शन। तो ANI की रिपोर्ट है, तो इसमें देखते हैं क्या है। देखिए, लोकल्स रिपोर्टेड थ्रोट एंड स्किन इरीटेशन एंड सम टॉक्सिक इन्फेक्शन। देन पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन केम इन टू एक्शन। अबाउट 1,000 to 1,500 पीपल हैव बीन इवैक्यूएटेड, ऑफ विच मोर देन 800 पीपल हैव बीन टेकन टू हॉस्पिटल। SN प्रधान, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉर DG। ठीक है, तो डायरेक्टर जनरल हैं ये SN प्रधान NDRF के, इन्होंने ये बात बताई थी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि क्या। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन द वेक ऑफ द सिचुएशन इन विशाखापट्टनम। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्पोक विद आंध्र प्रदेश CM YS जगनमोहन रेड्डी एंड अश्योर्ड हिम ऑल हेल्प एंड सपोर्ट। द सिचुएशन इज बींग मॉनिटर क्लोजली। तो प्रधानमंत्री ने भी इस घटना में अपना योगदान किया है। ठीक है, वो भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, यू कैन रीड हियर द सिचुएशन इज़ बीइंग मॉनिटर्ड क्लोजली करेंटली। ओके, आगे देखिए ANI की न्यूज़ है, ये पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल फॉर अ मीटिंग ऑफ द NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन द वेक ऑफ द सिचुएशन इन विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा है इस चर्चा के दौरान। आगे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पढ़ लेते हैं क्या है कि देखिए, द स्टायरीन गैस लीक टुक प्लेस एट द LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री इन RR वेंकटपुरम विलेज इन विशाखापट्टनम। द गैस लीक्ड फ्रॉम वन ऑफ द यूनिट चैम्बर्स अराउंड 3 AM वेन पीपल वर असलीप। देखिए, सुबह सुबह हुआ है, 7 तारीख को ना, सुबह सुबह मतलब जब लोग गहरी नींद में होते हैं सुबह सुबह, तब ये घटना घटी है। द गैस हैज करेंटली बीन न्यूट्रलाइज टू हार्मलेस लिक्विड फॉर्म एंड द NDRF टीम हैज़ रीच द स्पॉट। ठीक है, अभी न्यूट्रलाइज कर दिया है गैस को और मेनली ये लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन जैसे लीक हुआ तो ये जैसे LPG होता है ना हमारा, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, वही सिचुएशन हुआ है। ठीक है, देखिए, द इंटायर विलेज हैज़ बीन इवैक्यूएटेड एंड टीम्स आर नाउ कंडक्टिंग अ डोर टू डोर सर्च अकॉर्डिंग टू RK मीना CP विशाखापट्टनम सिटी। ठीक है, तो डोर टू डोर चेक भी कर रहे हैं कि कहीं कोई मतलब मूर्छित तो नहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये गैस ऐसी चीज़ है, देखिए लोग बिना खाए पिए कुछ टाइम रह सकते हैं, 10 मिनट रह सकते हैं, 5 मिनट, 1 घंटा, शाम तक रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए तो 2 मिनट 3 मिनट भी नहीं रह सकते ना। तो देखिए आगे क्या है कि आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जो हैं, उन्होंने इज एक्सपेक्टेड टू लीव सून फॉर विशाखापट्टनम। ठीक है, एंड विजिट द किंग जॉर्ज हॉस्पिटल वेयर दोज अफेक्टेड बाई द गैस लीक इंसिडेंट आर बींग। वो देखने जाएंगे, YS जगनमोहन रेड्डी देखने जाएंगे, जो भी इस गैस से प्रभावित हुए हैं उनको देखने जाएंगे। ठीक है, द आंध्र प्रदेश CM इज़ क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड हैज़ इंस्ट्रक्टेड द डिस्ट्रिक्ट मशीनरी टू टेक इमीडिएट स्टेप्स एंड प्रोवाइड ऑल हेल्प। ठीक है, तो पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी इस घटना से अफेक्ट हुए हैं उनको जल्दी से ठीक किया जाए और उनको ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, उनके ऊपर
और अगला है, आंध्र प्रदेश गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंद्रन ऑल्सो एक्सप्रेस शॉक ओवर द मिसहैप एंड ऑर्डर ऑफिशियल टू टेक अप रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन वॉर फुटेज। द गवर्नर हैज़ सजेस्टेड टू टेक सपोर्ट फ्रॉम रेड क्रॉस वॉलेंटियर्स इन इवैक्यूएशन। ही हैज़ ऑल्सो ऑर्डर सेटिंग अप ऑफ अ विशाखापट्टनम रेड क्रॉस यूनिट टू कंस्टिट्यूट मेडिकल कैंप्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे गवर्नर साहब भी इतना ध्यान दे रहे हैं इस घटना के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी भी है, तो अच्छी बात है कि उन्होंने रेड क्रॉस की हेल्प, रेड क्रॉस वॉलेंटियर्स की हेल्प लेने की बात कही है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। आगे पढ़ते हैं कि सैडन बाय द न्यूज़ ऑफ गैस लीक इन अ प्लांट नियर विशाखापट्टनम विच हैज़ क्लेम सेवरल लाइव्स। माई कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। आई प्रे फॉर द रिकवरी ऑफ द इंजर्ड एंड द सेफ्टी ऑफ ऑल। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने कहा है, कंडोलेंसेस उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना, तो ये भी अच्छी बात है हमारे देश के लिए। अब देखिए, विशाखापट्टनम गैस लीक ऑल यू नीड टू नो। ठीक है, व्हेन डिड द गैस लीक हैपन। द गैस लीक्ड फ्रॉम वन ऑफ द यूनिट चैम्बर अराउंड 3 AM व्हेन पीपल वर अस्लीप। ठीक है, व्हाट हैपन्ड एग्जैक्टली। फॉलोइंग द गैस लीक टॉक्सिक फ्यूम्स स्प्रेड इन नियर बाई विलेजेस एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिविंग विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द प्लांट रश्ड आउटसाइड इन पैनिक। सेवरल पीपल रिपोर्टेडली कोलैप्स्ड एंड वर सीन लाइंग अनकॉन्सियस ऑन द रोड्स। द फेट ऑफ दोज हु वर अस्लीप इज नॉट नोन। ठीक है, तो जो जागे हुए थे वो तो एक बार को बाहर निकल के आ गए, वो भी बेहोश हो गए थे। ठीक है, रोडों पे गिर गए, लेकिन जो सोए हुए थे वो तो सोए ही रह गए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि आंध्र प्रदेश केमिकल गैस लीकेज रिपोर्टेड एट एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री इन आरआर वेंकटपुरम विलेज विशाखापट्टनम। पीपल बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल आफ्टर दे कंप्लेंड ऑफ बर्निंग सेंसेशन इन आईज एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। पुलिस फायर टेंडर्स एम्बुलेंसेज रीच स्पॉट डिटेल्स अवेटेड। ठीक है, तो ANI की न्यूज़ है। ठीक है, अब देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं कि द लोकल पुलिस इज कंडक्टिंग रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस इन द अफेक्टेड एरिया विद द सपोर्ट ऑफ NDRF एंड SDRF। देखिए, इस संबंध में जो है लोकल पुलिस जो है NDRF और SDRF के सपोर्ट से काम कर रही है। द नेवी हैज़ ऑल्सो बीन डिप्लॉयड। नेवी को भी डिप्लॉय किया गया है फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन एंड पीपल हैव बीन एडवाइज टू इवैक्यूएट द एरिया। ठीक है, तो लोगों को एडवाइस किया गया है कि वो जगह को खाली कर दे, उसका जो 5 किलोमीटर रेंज है ना उसको खाली कर दे। पीपल हैव बीन एडवाइज टू इवैक्यूएट द एरिया एंड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ वेट क्लोथ। उन लोग, देखिए ध्यान देने वाली बात है, और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे अगर आग वाग लग जाता है या कहीं भी इस तरह की गैस लीकेज हो जाती है ना, तो हमें कपड़े से ऐसे ही मुँह नहीं ढकना चाहिए। मान लीजिए कहीं आग लग गया, धुआं धुआं हो रहा है, ठीक है, तो हमें कपड़े को भिगा के अपने मुंह को ढकना चाहिए, क्योंकि जब हम कपड़े को भिगा देते हैं ना, तो वो एक जो कपड़ा है वो एक प्यूरीफायर बन जाता है, बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर बन जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि देखिए यहाँ पे लिखा है द नेवी हैज़ ऑल्सो बीन डिप्लॉयड फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन, पीपल हैव बीन एडवाइज टू इवैक्यूएट द एरिया एंड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ वेट क्लोथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अराउंड 27 पीपल आर इन्वॉल्व इन द रेस्क्यू ऑपरेशन। लगभग 27 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, ऑल पीपल लिविंग विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द प्लांट आर बींग इवैक्यूएटेड। जो भी लोग 5 किलोमीटर के दायरे में है उस प्लांट के, उनको इवैक्यूएट यानी वहाँ से बचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। अबाउट 80-90% ऑफ द इवैक्यूएशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। 80-90% तक जो बचाव कार्य है वो कर लिया गया है एज़ पर NDRF DG। जो NDRF जो हमारा नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनके अनुसार। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज़ LG Polymers। LG Polymers क्या है? ठीक है, LG Polymers इज़ अ साउथ कोरियन कंपनी, साउथ कोरिया की कंपनी है, विच इज़ लोकेटेड एट वेंकटपुरम नियर गोपालापट्टनम इन विशाखापट्टनम। ठीक है, देखिए ये जो मेनली जो कांड हुआ है, ये जो गैस कांड हुआ है, ये मेनली वेंकटपुरम, एक RR वेंकटपुरम नाम का गाँव है विशाखापट्टनम में, नियर गोपालापट्टनम, वहाँ पर ये हुआ है। ठीक है,
अब आप समझ गए होंगे कि LG पॉलीमर्स जो है वो एक साउथ कोरियन कंपनी है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज़ स्टायरीन गैस। स्टायरीन इज़ अ फ्लेमेबल लिक्विड, ठीक है, ज्वलनशील लिक्विड है, तरल है, यूज्ड टू मेक पॉलिस्टरीन प्लास्टिक, जो प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक, रबर एंड लेटेक्स, ठीक है, जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, प्लास्टिक रबर टाइप की, इनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलिस्टरीन प्लास्टिक्स एंड रेजिन्स, ठीक है। तो पॉलिस्टरीन प्लास्टिक और रेजिन्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू द गैस कैन रिजल्ट इन आई इरीटेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को, या फिर हम कह सकते हैं एनिमल बॉडी को, ठीक है। मतलब इंसान भी एक तरह का एनिमल ही होता है, आपने पढ़ा होगा ना, मैन इज़ ए सोशल एनिमल। तो ठीक है, ये किसी भी प्रकार के एनिमल को हार्म कर सकता है। कैसे? आई इरीटेशन और हमारे बॉडी इरीटेशन वो कर सकता है ये, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन को हार्म कर सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफ़ेक्ट्स पैदा कर सकता है। देखिए, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू स्टायरीन कैन हैव एन इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, को बहुत ही बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, एंड कॉज CNS डिसफंक्शन, ठीक है, हेडेक, वीकनेस, डिप्रेशन, फटीग, हियरिंग लॉस एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये बहुत ही दुखद और दिल हृदय विदारक घटना है हमारे देश के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो देश है, इससे जल्दी उबर पाएगा, ठीक है। और मैं आपको कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी ये जानकारी दीजिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।